देखो ना, मैंने और आपने कितनी कितनी बार अपनी मां की बात नहीं मानी, मगर जब भी मां के पास गए, उसके पैर पकड़ लिए, उसको लजाजत के साथ रोते हुए मनाया, मां ने सीने लगाया ना, रब तो कई माओं से ज्यादा चाहने वाला है, उसकी रहमत तो चाहती है हम बख्शे जाए। अब जन्म में कैसे जा सकेंगे, अब कयामत की हौलनाकी कैसे बर्दाश्त कर सकेंगे। सब एक ही तरीका है कि रब राजी हो जाए, वरना हमारे पास कोई आसरा नहीं है, हमारे पास और कोई तरीका नहीं है। अगर अल्लाह नाराज हो गया ना, फिर कुछ भी नहीं बचेगा, पर रब राजी होना चाहिए। और रब की रिजा यह है कि बंदा उससे माफी मांगे, उससे तौबा करे और आइंदा गुनाह ना करने का पक्का इरादा करे। जहां रब के गजब को सुना है ना, वो रहमान भी बड़ा है, वो रहीम भी बड़ा है। बदकार हूँ बेहद जलीलो खार हूँ, बल्दाए बदकार हूँ बेहद जलीलो खार हूँ, मग़फ़िरत दोस्ती कर लो। जो नमाजें कजा करता है तौबा कर लो, बस अब सच्ची पक्की नियत कर लो कि आज के बाद नमाज कजा नहीं करूंगा। अगर कोई हराम कमाता है ना, देखो छोड़ दो उसे, तौबा कर लो, अल्लाह तुम्हें गैब से हलाल देगा। बस सच्ची नियत कर लो, रब ने जो नसीब में लिखा है वो मिलकर रहेगा। हराम कमाना छोड़ दो, हराम खाना छोड़ दो, हराम सोहबतें छोड़ दो, गंदी चीजें देखना छोड़ दो, सुनना छोड़ दो। हम कमजोर है, ये भी हम अल्लाह से ही कहेंगे ना, या अल्लाह मैं पहले भी तौबा की फिर गुनाह में पड़ गए, आज फिर तौबा करता हूं मालिक, फिर तौबा करता हूं, बस तुम तौबा पर इस्तिकामत भी दे दे। पता नहीं कब दुनिया से चला गया और वहां मारा गया, वहां पकड़ा गया, तो मेरा बनेगा क्या। अल्लाह इस कमजोर बंदे पर रहम कर और आज सच्ची तौबा अता कर, आज सच्ची पक्की तौबा अता कर। हम तो बड़े कमजोर है, हमारा क्या बनेगा। हाँ, अल्लाह राजी हुआ, अल्लाह के हबीब राजी हुए, तो इंशाअल्लाह कयामत में भी लिवाउल हम्द तले उठना नसीब।